हालिया बारिशों के बाद शहर हैदराबाद की नाकिस सूरत हाल और अबतर हालत के बायस शहरियों का जीना दुभर हो गया है। मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी अब भी जमा है, जबकि मुतादिद इलाकों में सेवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम है और गलियों और शाहराहों पर सेवरेज का पानी, गंदगी और गलाजत के ढेर न सिर्फ शहरियों की तकलीफ में इजाफा कर रहे हैं बल्कि हुक्काम बाला की नाहली का भी मुंह बोलता सबूत है। बारिश और सेवरेज के गंदे पानी, गंदगी और गलाजत के ढेरों से उठने वाले ताफुन की वजह से खतरनाक बीमारियां भी फैलने का खदशा है। जहाँ शहरी पहले ही इन तकलीफ और परेशानियों से निबर्दाजमा है, वहीं बल्दियाती निज़ाम खत्म होने के बाद शहर हैदराबाद को लावारिस छोड़ दिया गया है। पहले ही बल्दियाती नुमाइंदों की कारकर्दगी न होने के बराबर थी और अब निज़ाम खत्म होने के बाद कारकर्दगी सिफर हो गई है। शहरियों ने हैदराबाद न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे हैदराबाद का कोई वारिस ही नहीं है बिल्कुल भी, ये लावारिसों की तरह पड़ा हुआ हैदराबाद। इतनी गंदगी, इसकी हालत देखो, हैदराबाद की नालियाँ बंद पड़ी हैं, उधर से शियों ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, इधर से हमारे रास्ते जाने के बंद पड़े हुए हैं। महीनों महीनों गटरों का पानी भरा रहता है, कोई पानी निकलवाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा हो गया जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में इसको देखने वाला, हैदराबाद सिंध को पूरे को देखने वाला कोई नहीं है। और हमारी हालत बुरी हो रही है, हमारे बच्चों को निकलने से हम कासिर हैं, बाज़ार जाने आने से कासिर हैं, ना कुछ लाने सकते हैं बाज़ार से, ना कुछ काम कर सकते हैं हम। और पानी देखो तो इतना गंदा आ रहा, सालों से पानी नहीं आ रहा, हमारा मीठा पानी नहीं आता, हम इतने परेशान हैं। लिहाजा वज़ीर आला सिंध से गुजारिश है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा इंतज़ाम किया जाए और हमें सहूलतें दी जाएँ। जैसे आपको मालूम है ये रोड दिख रहा है, ये 12 साल से तकरीबन रुका हुआ है। उस साल से पूरा साइड बंद हो जाता है जुलूस की वजह से, ये पूरा रोड बंद कर देते हैं। इधर से हमारे को बहुत परेशानी होती है आने जाने में, फिर ये आपसे गुजारिश है कि ये जल्द से जल्द काम करवाएं। मैं तो अपने कमेंट्स में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट सिंध को शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। आप ये देखें कि पंजाब के निज़ाम कितने बेहतर हैं और यहाँ आप देखें कि सारा का सारा पानी भरा हुआ है, बच्चों के मच्छर काट रहे हैं और दूसरी बीमारी उनकी चिपक रही है। ये बड़े जो जितने भी अहदेदार लोग हैं, ये तो एसीओ के अंदर आराम से सो रहे हैं, इनका क्या जा रहा है? वहाँ जाते हैं, सिर्फ साइन करते हैं, एंट्री करते हैं, वो देखते हैं हाँ क्या हो रहा है, बस एंट्री करके वापस अपने घर के अंदर। हाँ, देखते हैं इन मामलों को, इन मामलों से कुछ नहीं होता। आप ये ज़िंदगी गुजार के देखेंगे ये ज़िंदगी है कैसी, ठीक है ना? आप फिर उसके बाद ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि गरीबों के हालत क्या हैं और आप लोगों के हालत क्या हैं। आप लोगों ने 2-3 लाख रुपए जेब में रख के बस सोना है। यहाँ देखें गरीबों को क्या हाल हो रहा है, किसी के बच्चे बीमार पड़े हैं, मलेरिया पड़े हुए हैं, पानी का कोई ख़ास वो नहीं, सहूलतें नहीं है यहाँ पर। ये देखें सारा पानी भरा पड़ा है यहाँ पर लाइन के अंदर। और अभी ये बताएं कि अभी बोलें तो किसको बोलें? अभी मेरी बात भी ये मुख्तसर वहाँ पहुँचेगी, उसके बाद कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला उसका। तो ये तो बस खाली गूंगे बेरे हो गए। इनको तो ज़रा सी भी शर्म है नहीं है कि आवाम को देखें कि आवाम कर क्या रही है और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है। बस मैं तो इनसे सिर्फ ये गुजारिश करूँगा कि आप सिर्फ गरीबों की थोड़ी सी ज़िंदगी गुजार के देखें कि उनकी ज़िंदगी है क्या। रेस्क होगा या लाइट नहीं होती है, आए दिन लाइट चली जाती है, ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं, फिर सही करने आते हैं नहीं है। दूसरा मसला ये सीवरेज का, ये पानी सारी गंदगी ये बह रही है सारी। शहर हैदराबाद की मुतादिद गली कूचों और शाहराहों पर गंदा पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है, मगर अब भी इंतजामिया गफलत की नींद सो रही है। जहां शहरी पहले ही गंदगी और गलाजत से परेशान थे, वहीं अब बल्दियाती निज़ाम खत्म होने के बाद शहर हैदराबाद को लावारिस छोड़ दिया गया है। कैमरामैन मुजम्मिल अवान के साथ सैयद मोहम्मद अली शाह, हैदराबाद न्यूज़।